हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोटेक टेक्निकल क्लासेस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी का जो फॉर्म निकला है ट्रेडमैन का, तो उसमें फॉर्म को हम कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा मैं प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 5 से 7 स्टेप हैं जो कि आपको पूरे फॉलो करने होंगे, तभी आपका फॉर्म को कम्प्लीट जो है फिल माना जाएगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इन्फोटेक यूट्यूब चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी आप सामने देख रहे हैं, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो इसकी लास्ट डेट पर या स्टार्टिंग डेट पर हम फोकस डालें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 22 फरवरी 2021 में स्टार्ट हुआ है, 10 बजे से स्टार्ट हो गया है मॉर्निंग में, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 मार्च 2021 की इसकी लास्ट डेट है, शाम को 5 बजे। ठीक है, तो इसी बीच में आपको फॉर्म भरना होगा। कम्प्लीट प्रोसेस क्या क्या है इसका, फीस कैसे भरनी है, अभी एडमिट कार्ड की शॉर्टली दिखा रहा है यहाँ पर, डिक्लेयर शॉर्टली, तो ये भी एडमिट कार्ड जब आएगा इसकी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके सामने इस टाइप का फॉर्म को ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो है बेसिक डिटेल्स, अदर डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, समरी, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड है। ठीक है, तो सारी चीज़ इसमें स्टेप बाय स्टेप खुलेगी, तो हम पहले इसका एक फॉर्म को स्टेप को भरेंगे। सबसे पहले आप देखिए बेसिक डिटेल्स में जो है यहाँ पर आधार कार्ड है, तो अगर आपके पास है तो यस करना है, आपको नहीं है तो आपको यहाँ से अपनी आईडी सेलेक्ट करनी है, ये आईडी आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना होगा। सभी के पास मोस्टली आधार कार्ड होगा, जिनके पास नहीं है वो यहाँ से अपनी आईडी को सिलेक्ट कर सकता है कोई सी भी। ठीक है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक। ठीक है, तो हमें जो है यहाँ पर यस कर देते हैं, हम यहाँ पर आधार कार्ड की आईडी डाल देते हैं। तो ये आपको देखिए यहाँ ध्यान देना है कि वेरीफिकेशन वेरीफाई भी करना है, एक बार यहाँ डालेंगे दोबारा यहाँ डालेंगे। इसके बाद आपका जो आपका सरनेम है, आप कुमारी हैं अगर फीमेल है तो आप फीमेल कुमारी लिखेंगे, श्रीमती हैं तो श्रीमती, श्री हैं तो श्री लिखेंगे। ठीक है, हम श्री हैं तो हम यहाँ पे किसी भी यूजर अपने एक स्टूडेंट हैं उनका फॉर्म को पूरा कंप्लीट कर भर के दिखाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम भरना है आपको, और उसके बाद यहाँ पर कंफर्म फर्स्ट नेम, ये आपको ध्यान देना, फर्स्ट नेम स्टार जहाँ जहाँ स्टार बनाना है ये स्टार जो होता है ये मैंडेटरी होता है, तो इसको आपको कंप्लीट फॉर्म को मतलब ये जो चीज़ भरनी ही भरनी है। तो फर्स्ट नेम भरेंगे, इसके बाद कन्फर्म फर्स्ट नेम भरेंगे, अगर आपके पास मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भरना है, नहीं है तो मिडिल नेम मत भरें। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर जो है आपको लास्ट नेम भरना है, और यहाँ पर कन्फर्म लास्ट नेम बनना है। इसी टाइप से आपको मदर्स नेम, फादर्स नेम, ठीक है, फादर्स नेम वेरीफाई करना है, दोबारा से लिखना है मदर नेम, फिर मदर नेम दोबारा लिखना है। इसके बाद आपको लिंक सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी आप हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा, लिंक वेरीफाई करना है, मेल करना है। इसके बाद वैवाहिक है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको मैरिड करना होगा, नहीं तो अनमैरिड करना है, बाकी और भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ भरेंगे। इसके बाद अगर आपकी ओबीसी जनरल जो भी आपकी कैटेगरी है आपको सिंपली उस पर क्लिक करके आगे जो है अदर डिटेल्स पर क्लिक कर देना। तो ये हम फॉर्म को पहले कंप्लीट भर चुके हैं, देखिए ये पूरा भर चुका हूँ फॉर्म, तो यहाँ पर हम अदर डिटेल्स पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही आपने वहाँ पर क्लिक किया तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी है, तो इसमें आपको क्या करना है सिंपली देखिए ध्यान से, इसमें आपको सिंपली जो है आगे जो प्रोसेस है इसका, यहाँ पर आपको नो ही करना है सभी स्टूडेंट को, आप अपने अकॉर्डिंग देखें, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर सभी को स्टूडेंट को नो भरना होगा। फिर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, तो डेट ऑफ बर्थ सिंपली आपको सही डालनी है अपनी, ईयर सेलेक्ट करें सबसे पहले, फिर इसके बाद मंथ सेलेक्ट करें, और फिर इसके बाद आपको अपनी डेट चूज करनी होगी। देन इस पर आपका ईमेल देखिए आप डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है, इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर हम क्लिक करते हैं। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर जैसे आप देखिए क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने एक नया विंडो इंटरफेस ओपन होगा, तो उसको आपको ध्यान रखना है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने जो है आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर सिंपली डाल देना है, और अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड होता है, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर जनरेट करना होगा। तो सेंड ओटीपी हम क्लिक करते हैं, तो मोबाइल पर सबसे पहले ओटीपी आएगा, तो हमने जो है ओटीपी अपने मोबाइल नंबर पर भेज दिया है, तो ओटीपी आपके मोबाइल पर आप भी इस टाइप से भरेंगे तो आपके मोबाइल पर जरूर आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर जो है वेरीफाई करना होगा। तो चलिए हम ओटीपी देख लेते हैं, ओटीपी हमारे मोबाइल पर आ गया है, तो ये हमने ओटीपी डाल दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको ईमेल आईडी भरनी होगी अपनी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपको सिंपली यहाँ पर डालनी होगी, और आपको ईमेल आईडी पर अपना एक ओटीपी भेजना होगा, तो दोनों चीज़ वेरीफाई होने के बाद ही आप आगे जो है डिटेल्स इसकी भर पाएंगे। तो हम जो है अपनी ईमेल आईडी भर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। तो चलिए हमने सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पर ईमेल आईडी पर हम ओटीपी का वेट करते हैं, और अपनी ईमेल आईडी को ओपन कर लेते हैं, तो उस पर भी एक ओटीपी आता है। तो यहाँ पर हमारे पास ओटीपी आ गया है, तो हम अपने ओटीपी को यहाँ पर डाल देते हैं। तो ये सभी की ईमेल आईडी पर आएगा, अगर आपके ईमेल आईडी पर नहीं आ रहा हो तो रिफ्रेश कर लेना एक बार ईमेल आईडी खोलकर, तो ज़रूर आपकी ईमेल आईडी पर ओटीपी आ जाएगा। तो हमारा ओटीपी वेरीफाई कर दिया है, अब यहाँ पर अल्टरनेट एक मोबाइल नंबर डालना है आपको, यानी कि जो आपने मोबाइल नंबर ऊपर दिया है उसके अलावा कोई आपके पास मोबाइल नंबर है तो आपको यहाँ पर डालना होगा वो। ठीक है, लैंडलाइन नहीं डालना है, लैंडलाइन डालना जरूरी नहीं है, तो हमने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है।
तो देन इसके बाद यहाँ पे देखिए समरी का ऑप्शन खुल जाता है, समरी पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो समरी पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट जो है ऑप्शंस नए ओपन होते हैं उसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ बैक नहीं करना, आपको समरी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इसके बाद देखें आपका जो फॉर्म है आपने जो फिल किया है वो पूरा पूरा यहाँ पर जो है फिल होकर आ गया है। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे क्या है, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। यदि आपका कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ गलत हो गया है तो आपको एडिट करना होगा, और फिर इसके बाद हमें जो है नेक्स्ट स्टेप पे देखिए कैसे बना। ये हमारा पूरा फॉर्म फिल हुआ है, तो हम इसको पूरा रीड कर लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर समरी पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर आपने इसको सबमिट कर दिया है, सबमिट पे हमने यदि क्लिक कर दिया तो ये आप इसको दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया है ऑलरेडी। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है, तो आपके मोबाइल पर नंबर पर और ईमेल आईडी पर हमने पासवर्ड और ईमेल आईडी सेंड कर दिया है। ठीक है, तो उसी पासवर्ड और ईमेल आईडी से हमें अपने जो है लॉगिन करना होगा अपने पेज को। ठीक है, तो ये जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड को डालना होगा। तो हमें यूजर आईडी हमारी ईमेल आईडी पे दी गई है और पासवर्ड भी दिया गया है, तो वो दोनों चीज़ आपको यहाँ पर सिंपली डालनी है। तो हम वो देख लेते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आई है। सो फ्रेंड्स, हमारे पास यूजर आईडी और पासवर्ड आ गया है हमारी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर। तो हमने उसको यहाँ पे सिंपली सही से डालेंगे, आपको गलत नहीं करना है। जो कैपिटल है कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल पे क्लिक करना है। ठीक है, तो अपना पासवर्ड डालना है आपको यहाँ पर, और इसके बाद अपना यूजर आईडी डालना, जो भी आपको मिला है वो आपका एक यूनिक आईडी है, उसको आपको संभाल के भी रखना है आपका इन फ्यूचर। तो यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपकी डिटेल्स जो है यहाँ पर छोटी सी ओपन हो जाती है। तो हमें यहाँ पर सिंपली देखिए यहाँ पर डेट वगैरह दी गई है कि भाई इसका लास्ट डेट ये है वगैरह वगैरह। तो हमें जो है सिंपली यहाँ पर करना है कि यहाँ पूरा आप स्टडी रीड कर सकते हैं, बाकी आपको नीचे जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर डेट वगैरह दी गई है, अभी इतनी लास्ट डेट है, इतनी ये है, तो आपको आप चाहे पढ़ सकते हैं। फीस इसमें दे रखी है, इतनी फीस है इसकी। तो ओबीसी एससी एसटी जो हमारा ओबीसी जनरल है उनके लिए फीस लग रही है यहाँ पर 205 रुपये। तो यहाँ पर हम जो है आगे डिटेल्स देखते हैं। तो यहाँ पर आई हैव रीड पर हम क्लिक कर देंगे, हमने भी सब कुछ पढ़ लिया है। तो यहाँ पर नोट्स दिए गए हैं, तो इसको भी आप देखें। अभी इन फ्यूचर जो इंक्वायरी है तो इंक्वायरी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडी दी है, तो हम यहाँ पर आई हैव रीड पर क्लिक करके और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इस पर देखिए कंटिन्यू पर क्लिक करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके सामने जो है अब डिटेल्स आएगी कि भी आपकी जो है 10th की में आपकी क्या डिटेल्स है, और उसके बाद आपको ITI भरनी होगी। तो हमें जो है सबसे पहले अपनी 10th की डिटेल्स भरनी होगी, भी आपकी 10th की डिटेल्स जो है क्या है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे हम आपको आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको सिंपली जो है एग्जाम सेंटर अपना सेलेक्ट करना होगा, यानी कि आपने ITI 10th की है तो 10th पे आपको सेलेक्ट करना होगा। आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बोर्ड है, आप किसी भी बोर्ड से हैं इंडिया के, जो भी आपको स्टेट से स्टेट वाइज है। तो इसमें सारे जो है लगभग दिए गए हैं, फिर भी बहुत से इसमें नहीं दिए गए, जैसे कि हम देखेंगे यूपी बोर्ड का नहीं दिया है। तो हमें यहाँ पर सिंपली जो है यूपी बोर्ड अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको अदर्स पर क्लिक कर देना है। और भी कोई ऐसे बोर्ड हैं जो यहाँ पर नहीं है तो आप अदर्स पर क्लिक करके आप सिंपली वहाँ पर जो है आगे जो है मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जो है आगे मेंशन करते हैं कि क्या इसमें दिया गया है सिंपल। सो हमने यहाँ पर जो है अपना यूपी बोर्ड यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि यूपी बोर्ड से हमने जो 10th की दी है। तो आप सिंपली यूपी बोर्ड कर सकते हैं, इलाहाबाद बोर्ड कर सकते हैं, यूपी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद बोर्ड भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका ईयर है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, जो भी आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर है, राइट हैंड पे लिखा होता है या राइट हैंड लेफ्ट पे लिखा होता है, तो वो सीरियल नंबर होता है। सीरियल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर आपके लिखा होगा जरूर, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है वो चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेना, आप एक बार सही से लिस्ट देख लेना कि आपका बोर्ड है इसके अंदर नहीं है, तो वो आपको यहाँ नहीं है तो अदर पर क्लिक करके आप यहाँ पर लिखना। ठीक है, इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान से डालना है। इसके बाद आपको जो डालना है आगे जो आपका परसेंटेज है या फिर डेट है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट भी आपको परसेंटेज है कौन सी परसेंटेज है वो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो हमें देखिए यहाँ पर परसेंटेज का दिया गया है, तो हमने यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट ना परसेंटेज हमारी जो भी है वो डालना है। बाकी आपको जो है अपना जो है मार्क्स जो आपके आए हैं वो आपको यहाँ पर लिखने होंगे, वह आपका टोटल मार्क्स कितने हैं वो लिखना है। इसके बाद आपका जो जो भी आपका परसेंटेज है वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ सेलेक्ट कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो आपको देखिए यहाँ लिखना है 600 लिखना है, और उसके वजह से मान लिया आपका 10th में हमारे 600 में से नंबर मिलते हैं तो वो आपको इधर लिखना होगा। देखिए हम थोड़ा गलती कर रहे हैं, तो हम जो है यहाँ पे इसको सही लिखेंगे इस टाइप से, तो आपकी परसेंटेज सही आ जाएगी यहाँ पर। इसके बाद क्लास जो भी है आपको वहाँ सेलेक्ट करना होगा, इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो सबमिट पर हम क्लिक करेंगे तब आपके सामने ओपन होगा इस टाइप से एक आपकी जो नीचे डिटेल्स आ जाएगी। इसके बाद आपको ITI सेलेक्ट करनी है, अपनी ITI की डिटेल्स यहाँ पर बिल्कुल मैंशन करनी होगी पूरी। जैसे आप डिटेल्स करते हैं तो इसके बाद आपको देन सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो हमने डिटेल्स ये पूरी भर ली है, तो ये डिटेल्स आपको सही से भरनी है। तो हम यहाँ फर्स्ट क्लास पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है,
तो इसके बाद हमें देखिए क्या करना है, ये आप 12th भरना चाहे तो आप 12th यहाँ पे यहाँ भर सकते हैं, बाकी आप अदर डिटेल जितनी चाहे वो उतनी भर सकते हैं जितनी इसमें दी गई है। तो हमें 10th और 12th से 10th और ITI से बेस पर निकला, तो हमने दो डिटेल्स भर दी हैं। इसके बाद आपको सिंपली देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, एडिशनल डिटेल्स पे। तो आप चाहे तो पूरी डिटेल्स ये भर के आप नीचे के ऑप्शन जो दिया गया है राइट हैंड साइड पर, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, चलिए देखते हैं क्या आता है। तो अब आपके सामने जो आया है यहाँ पर जो है पोस्टिंग, आप यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आप कहाँ का पोस्टिंग लेना चाहेंगे, तो यहाँ पर चूज करना है आपको वो पोस्टिंग का एरिया। तो नॉर्थ वेस्ट जो भी यहाँ पर दिया गया है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो तीनों के तीनों हम सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट जो है यहाँ पे, तो ये जो डिटेल्स है आपको वो आपको नोटिफिकेशन में दिखेगी भाई कहाँ पर वैकेंसी कितनी थी, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर भरना है। तो देखिए सारी डिटेल्स आपको बिल्कुल ध्यान से भरनी है। तो आपको ये पोस्टिंग सेलेक्ट कर लेना, इसके बाद यहाँ पर आप रिलीजन हिंदू वगैरह जो भी है आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको आइडेंटिटी मार्क्स लिखने हैं, जो भी आपके दो आइडेंटिटी मार्क्स हैं फेस पर या फिर कहीं पर भी हाथ पर है बॉडी पर है, कुल मिलाकर होना चाहिए आपको, वो दिखने चाहिए। तो आपको जो मोस्टली देखिए जो माने जाते हैं ना, वो आपके फेस पर आपका कोई कट मार्क है, तिल मार्क है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। तो यहाँ पर दोनों ही भर दो जरूरी है भरने, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड आपको दोनों आइडेंटिफिकेशंस आपको लिखनी होगी अपनी बॉडी के, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पर दो आपके जो है भर दिए हैं इसी यूज़र के। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा दूसरा वाला, और यहाँ पर आपको नीचे सेंटर चूज करना होगा भी आपको जो भी सेंटर चूज चाहते हैं, दिल्ली है ना, लखनऊ है, बहुत सारे सेंटर्स में अलग अलग दिए गए हैं, आप अपने एरिया के हिसाब से नीचे जो है सेलेक्ट करें आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर है, ठीक है। तो हमने तीन सेंटर है सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद आपको अपना जो है एड्रेस भरना होगा, कंप्लीट एड्रेस जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है। आपको पहली लाइन पे अपना एड्रेस भरना है, इसके बाद दूसरी लाइन में अगर आपका कुछ बड़ा एड्रेस है तो आपको सेकंड लाइन में ले जाना है, तीसरी लाइन में लेना है, तो काफ़ी सारे एड्रेस में अपनी लाइनों को आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर जिला लिखना होगा, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपकी है वो भरना होगा, पिन कोड लिखना होगा, स्टेट लिखना होगा आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, वो सारी चीज़ आपको इसी फॉर्म में भरनी होगी। तो लगभग सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पर भरी जाने वाली है, ठीक है। तो सारी डिटेल्स आपको भरनी जरूरी है, तो इस फॉर्म को आपको ध्यान से भरना है, कोई भी चीज़ गलती नहीं करनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए सिंपली आपको जो पूरे जब ये डिटेल्स भर देंगे, एग्जामिनेशन सेंटर है आपका, एड्रेस है, तो आपको स्कोर करना है और नीचे जाके जो आपको सबमिट जो है आगे के लिए प्रोसेस करना होगा। तो ये लगभग लास्ट स्टेप चल रहा है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट पे। तो हमने अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो आपके सामने जो है फोटो वगैरह आएगी। तो यहाँ पे इनके साइज दिए गए हैं कि भाई 20 से 50 KB की ये फोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर 10 से 20 KB का, सर्टिफिकेट आपका 200 KB तक के होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ ध्यान से भरनी है आपको। यहाँ पर चूज पे क्लिक करके आप अपनी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ भी आपने कंप्यूटर में सेव किया है, आपने मोबाइल में सेव किया है, तो आपको फिर सबमिट आगे जो है अपना जो है पेमेंट के ऑप्शन पर आपको ले जाएगा। तो हम जो है इसकी सारी जो है फोटो डिटेल्स वगैरह लगा देते हैं। तो जल्दी जल्दी हम फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि फॉर्म काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो पूरा स्टेप ऐसे ही आपको फॉलो करना है मेरे साथ सब। तो कोई भी आपको परेशानी है, कोई प्रॉब्लम आए, तो आप वीडियो को नीचे नीचे जो है डिस्क्रिप्शन वीडियो में आपको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो ये आपकी डिटेल्स जो है पूरी आपकी यहाँ पर भर जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम आपको जो ले चलते हैं अपने जो है सारी डिटेल्स हम इसके फॉलो कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे क्या करना, देखिए हमने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी, तो अब हमें यहाँ पे आगे प्रोसेस करना समरी, यहाँ पे देखिए समरी पे क्लिक करना है। तो आपको समरी पे क्लिक करके ही आगे का स्टेप होगा, जो कि आपका पेमेंट का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे समरी पे क्लिक करना है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना है कि कुछ गलती तो नहीं हुई है, तो सारा फॉर्म खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर आई हैव रीड पे क्लिक करके आप प्रोसीड टू पे कर देंगे, ओके कर देंगे बस। देन आपके सामने जो है एक विंडो ओपन होगी, जिसमें कि आपको दिखाया जाएगा कि आप किस टाइप से पेमेंट कर सकते हैं। हम जो है पेमेंट करेंगे कार्ड से नहीं करेंगे पेमेंट, हम जो है UPI ऐप से पेमेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको UPI ID पर क्लिक कर देना, या आपके सभी के पास लगभग UPI ID होगी, तो आपको यहाँ पर UPI ID पर क्लिक करके आपको एंटर UPI ID करनी है। तो जो भी आपकी ID है वो आपको यहाँ पर मैंशन करनी होगी, आपके जो भी आपका ब्राउजर है, गूगल पे है, फोन पे है, जो भी आप चलाते हैं ATM वगैरह, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं उनकी ID यूनिक। तो आपको फिर यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर देना है, तो हम यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर देते हैं। तो पे नाउ पे आपके पास जो नोटिफिकेशन जाता है वो आपको ध्यान देना होगा, तो पे नाउ पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, उसके बाद आपके जो मोबाइल है वहाँ पे एक नोटिफिकेशन जाएगा पेमेंट करने का, तो उसको आप देखना है, वहाँ से पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपको वो देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपको थोड़ा टाइम देगा कि भाई अब आप पेमेंट कीजिए, थोड़ा आपको टाइम यहाँ पर मिला है, ठीक है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे।
कि भाई आपके पास जो है नोटिफिकेशन जाएगा, तो आपने थोड़ा सा वेट करना है, पेशेंस रखना है। तो आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा। अब देखिए आपके पास नोटिफिकेशन जा चुका होगा, जैसे आप इस पे पेमेंट पे क्लिक करते हैं पे नाउ पे, तो आपके मोबाइल पर आपको नोटिफिकेशन देखना होगा कि आपके पेमेंट का ऑप्शन आया या नहीं आया। पेमेंट का ऑप्शन आते ही आपको पे नाउ पे क्लिक करना है, देन आपके सामने जो है फिर स्क्रीन ओपन होगी जिसमें कि आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन लिखा जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा हम वेट करते हैं। देखिए यहाँ पे पेमेंट हो चुकी है हमारी, ये पेमेंट हमारी हो चुकी है। इसके बाद हम जाएंगे अपना जो है नेक्स्ट जो है स्टेप पे। देखिए ये आ गया है सक्सेसफुल पेमेंट। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन जो है नंबर है वो आपका यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो देख सकते हैं ध्यान से आप अपना, और यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है। और यहाँ पर रेफरेंस जो है ट्रांजेक्शन आईडी दी गई है। फिर यहाँ पे देखिए कैंडिडेट डैशबोर्ड लिखा है यहाँ पर, तो कैंडिडेट डैशबोर्ड पर क्लिक कर आप अपने कैंडिडेट के जो भी आपका कैंडिडेट है या आपने फॉर्म भरा है अपना, तो आप अपने डैशबोर्ड पर चले जाएंगे। वहाँ से आप अपना ई रिसिप्ट की प्रिंटआउट और अपने जो है जो अपना फॉर्म है उसकी प्रिंटआउट आप निकाल सकते हैं, या आप उसका पीडीएफ फाइल अपने पास रख सकते हैं। तो पीडीएफ फाइल से भी आपको जो है बेनिफिट ये होगा कि आप अपने इन फ्यूचर कोई भी प्रिंटआउट कभी भी निकाल सकते हैं, और वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो है सिंपली यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ क्लिक करके। तो हम यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे, देखिए गाइज कैंडिडेट डैशबोर्ड। तो कैंडिडेट डैशबोर्ड पर आपको जाना है, जिससे कि आपको पता लगेगा कि भी हमें जो है अपना डॉक्यूमेंट वगैरह हम अपना प्रिंटआउट कैसे। देखिए यहाँ पे लिखा कैंडिडेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको यहाँ से अपना कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन कर लेना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर या फिर आपके पीसी पर डाउनलोड हो जाएगा, उस पर आप ओपन करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म का ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था कम्प्लीट, जो कि हमने आपको बताया है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कि इस टाइप से आपको फॉर्म को बनना है, डिटेल्स ये भरनी है। तो अपना सिग्नेचर फोटो वगैरह सब आपके यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। आप बाकी से लॉगआउट कर सकते हैं, ई रिसिप्ट डाउनलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ थी इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करना, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है, तो लगभग काफ़ी वीडियो लंबी हो गई। तो आपके काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि सर हमें इंडियन नेवी का फॉर्म को फिल करना बताएं कि इसमें किस टाइप से फॉर्म को फिल करना है। तो वो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।